हेलो स्टूडेंट्स, एम सी सी बाला मैथ मेंटोर। मैं क्लास 8 को 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2301। हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब जैसे लास्ट से हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन गया, ये सेकंड पेयर हमारे पास आ गया। अब हमने उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमारे पास फोर फोर जा सिक्सटीन। अब फाइव फाइव जा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम फोर फोर जा सिक्सटीन। ये आ जाए हमारे पास सेवन जीरो वन। अब इस फोर को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाए फोर प्लस फोर एट। अब ये किस पर जाएगा, अब ये वन है, वन या तो वन पे जाएगा या नाइन नाइन जा एट्टी वन, नाइन पर जो हम यहाँ लिखेंगे वही उतना ही हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारे पास ये नाइन पर जा रहा है तो नाइन से ही मल्टीप्लाई करना है। नाइन जा एट्टी वन, नाइन नाइन जा एट्टी वन, और नाइन एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और सिक्स सेवेंटी। द स्क्वायर रूट ऑफ टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर इज 49। सेकेंड पार्ट 4489। अब ये जा रहा है हमारे पास सिक्स पर, सिक्स सिक्स जा 36। अब ये प्लस 12 8। अब हमने पेर ही उतारना है, क्या उतारना है, पेर ही उतारना है। पेर हमारे पास 89 है। अब ये हमारे पास जाएगा सेवन पर क्योंकि नाइन है, या तो थ्री थ्री जा नाइन होता है या सेवन सेवन जा 49। सेवन पर सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन सेवन जा 49, फोर सेवन टू जा 14, 14 और फोर 18, सेवन वन सेवन सेवन वन जा सेवन और वन एट। द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 is 67। थर्ड 529। पेयर बनाया, फिर हमारे पास ये फाइव हमारे पास बची है। अब ये जाएगा टू टू जा फोर, वन टू वन हमारे पास माइनस करने पर आया और पेयर हमने उतारा है, टू में टू प्लस करेंगे फोर। अब ये थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व। द स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23। फोर्थ पार्ट 3489 हमारे पास 3481। फाइव फाइव जा 25, नाइन अपेर 81, फाइव में फाइव प्लस करेंगे 10, नाइन नाइन जा, अब ये गया नाइन नाइन जा 81, नाइन वन जा नाइन। द स्क्वायर रूट ऑफ
3481 is 59. Fifth part, 3249. 5 5 जा 25. 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 7 पर गया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. 10 के रूट ऑफ 3249 इज 57. सिक्स पार्ट, 1369. 3 3 जा 9. 4 6 9. 3 3 जा 9. अभी हमारे पास हो जाएगा 6. 7 7 जा 49. 7 60 42 42 और 4 46. 7 पार्ट, 7 7 जा 49. 8 7 6. 14, 7 में 7 प्लस करेंगे 14. 6 पर गया ये 6 6 जा 36. 6 4 जा 24 24 27. 6 1 जा 6 6 और 2 8. 10 के रूट ऑफ 1369 का हमारे पास आया है 37, और 10 के रूट ऑफ 5776 का है हमारे पास 76. 8th part, 7921 पेयर बनाया, 6 ये हमारे पास जाएगा 8 पर, 8 8 जा 64. 5 1 21, 8 में 8 प्लस करेंगे 16. 9 9 जा 81. 9 6 जा 54 54 62. 9 1 जा 9 और 6 15. 10 के रूट ऑफ 7921 is 89. 9 पार्ट 576, ये पेयर बन गया 2 2 जा 4. 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 1 17. 10 के रूट ऑफ 576 इज 24. 10th 1024. 3 3 जा 9. 124, sorry, यह जाए मेरे पास 6. 2 पर गया, 2 2 जा 4. 2 6 जा 12. 10 के रूट ऑफ
1024 is 32. अब है 11th पार्ट, थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स फाइव पर गया, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव सिक्स थर्टी सिक्स पेयर। अब ये फाइव को फाइव में प्लस करेंगे टेन, सिक्स पर गया सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स द स्क्वेयर रूट ऑफ इज 56। ट्वेल्थ पार्ट 900 थ्री थ्री जा नाइन जीरो द स्क्वेयर रूट ऑफ 900 is 30।
फिफ्थ पार्ट 6412 का स्क्वायर रूट पेयर बनाया, 8 8 जा 64 12 या जाए हमारे पास 16, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये 1 पे ही ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए नहीं जा रहा तो 0 नहीं जाएगी 0। अब इसका 80 का नेक्स्ट नंबर है 81, 80 स्क्वायर ग्रेटर 6412 नेक्स्ट परफेक्ट नंबर 81 स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई कर दे 81 8 8 जा 64 ये आ जाएगा 1 6 5 6 6 5 6 1 अब इसके गेट ए परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट मस्ट बी एडेड क्या ऐड करना पड़ेगा, ये हमारे पास 6,561 माइनस 6,412 यह आ जाएगा 9 और 4 1 149 एडिड 149 6,561 स्क्वायर रूट है 81। क्वेश्चन 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है जिसका एरिया गिवन है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो साइड हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल एक्स मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर और एरिया हमारे पास गिवन है 441 एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल अंडर रूट 441 स्क्वायर रूट निकालेंगे 441 2 2 2 जा 4 41 उतारा हमने, अब ये 2 में 2 प्लस करेंगे 4, अब 4 है तो अब इस जितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 41। एक्स आ गया हमारे पास 421 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर सेवंथ क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री इफ ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर राइट ट्राइंगल
बी राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, बेस है 8। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 36, 6 जा 36, 8 8 जा 64। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल 100, एच इक्वल हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 100, एच आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। ए सी इक्वल 10 सेंटीमीटर। बी पार्ट हमारे पास ए बी सी, सी हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें हमारे पास है 13 स्क्वायर हो जाएगा, बेस 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 169 इक्वल 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 माइनस 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करेंगे 169 में से 25 माइनस हो जाएंगे 144 परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर अंडर रूट 144 और ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, क्या है, ए बी, ए बी आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। क्वेश्चन 8, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीडेड मोर फॉर दिस। हमारे पास 1000 प्लांट है, तो 1000 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0 3 3 9, 100 माइनस करेंगे 10 माइनस 9 तो 1 हो गया, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हम ऊपर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 1 24, ये इससे ग्रेटर हो गया। अब क्या करेंगे 1 पर, क्योंकि इससे कम क्या है 1, 61 आ जाएगा, तो 1 और 1 माइनस करें तो ये 39 आ गए। 1000 ये हमारे पास 31 है, 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे कम होगा 1000 से, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 32 का स्क्वायर हो गया 1024। अब 1024 माइनस 1000 तो हमें ये हमारे पास 24 आ गया, 24 हमें ऐड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर थर्टी टू इक्वल 1024।
1024 we must be added 24 make a perfect square root. आंसर आ गया 32 और 24. क्वेश्चन 9th, देर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल. दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइव हंड्रेड का स्क्वेयर रूट निकाला. टू जा फोर, माइनस किया वन, टू में टू प्लस किया फोर, जीरो जीरो पेयर उतारा फोर. अब टू से मल्टीप्लाई किया तो टू ही हमने ऊपर लिखा. फोर एट 84 आ गया. टू टू 16. अब हमारे पास 16 जो चिल्ड्रन हुए वो क्या है, लेफ्ट आउट हो गए, क्योंकि हमारे पास वन रो, हमारे पास रो कितनी बनेगी 22. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो इन ईच रो 22 लेफ्ट चिल्ड्रन सिक्सटीन.